ओम शांति। 16 अक्टूबर 2020 के आज के मधुर मधुर साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम संगम पर सेवा करके गायन लायक बनते हो, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। प्रश्न, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे? उत्तर, पहला पॉइंट, देहे अभिमान की बीमारी। इसी देहे अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। यह देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप की दिल पर चढ़ो। दूसरा, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। गीत, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आंखें धोखा देती हैं, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बात इन कानों से नहीं सुननी है। दूसरा पॉइंट, अपनी दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन, सबको पावन राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वरदान, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे, रहम दिल भव। व्याख्या, रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आते हैं तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आते हैं उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो, अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। स्लोगन, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना ही प्यारा। ओम शांति।